कानून रद्द होने तक जंग जारी रहेगी, ये बात किसान नेताओं ने कही है। पूरे देश में आंदोलन और तेज करेंगे, किसान नेताओं ने कहा है कि पूरे देश में वो आंदोलन और तेज करेंगे। दिल्ली की सड़कों को भी जाम करेंगे। एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, ये मांग किसान नेताओं ने की है। दोबारा प्रस्ताव आया तो विचार करेंगे। साथ में ये भी बात किसान नेताओं ने कहा है कि अगर दोबारा कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द कराने पर अड़े हुए हैं। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अवानी के जो प्रोटेक्ट है, जहां मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा है, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं, उनका घराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। तो किसानों ने जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आपसे सवाल यह है कि जिस तरह से सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था ताकि इस प्रस्ताव को अगर किसान आज मान जाते तो इस समस्या का समाधान निकल जाता, लेकिन पूरी तरह से किसानों ने अब ये जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया और साथ ही अगला कार्यक्रम भी बता दिया है, यानी साफ है कि अभी गतिरोध और आगे चलने वाला है। जी बिल्कुल, लगातार जो किसान अपनी बात पर अड़ियल हैं और लगातार जो है आज प्रोजल जो आया था सरकार की तरफ से उसको ठुकरा दिया है। हमारे साथ यहाँ पर किसान हैं, उनसे जानते हैं अगली रणनीति क्या है, क्योंकि लगातार जो है किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं, अगली क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लगातार जो बैठके हुई है, आज प्रस्ताव भी आया था उसको भी ठुकरा दिया है। बाबा मेरी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरियाणा सारे भाइयों को, बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले वालों, हम किसान के साथ हैं, मोढ़े नाल मोढ़ा लगा के हमारी जथेबंदी, हम आप उसको बिल को अब भी ठुकराते हैं, जो तीन बिल सरकार मोदी लेके आया है उनको वापस ले ते हम अपने घरों को जाएं। यहाँ पर हमको 26 तारीख से लेके आज तक बाबा अमरीक सिंह पटियाले वाले जो लंगर की सेवा संगतों के मुंह में सब आज बैठक हुई है, लगातार जो है प्रजन आया था सरकार की तरफ से उसके लेकर बैठक भी की गई थी। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि पूर्ण तरीके से ठुकरा दिया गया है, अगली क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि लगातार जो बैठकें भी जारी हैं। चलो, जो हमारे किसान हैं वो भी बैठ के अपनी विचार नीति सोचेंगे भी क्या करना है आगे। तो वैसे मोदी साहब ने तो बहुत देश को गुलाम कर दिया, देश के ऐसी तैसी कर दी है, किसको क्या पता खेती करने का। गुरु नानक से टाइम से खेती करते आ रहे, हमारे को पता ही नहीं अब खेती कैसे करनी है, कैसे बेचनी है। इतना गुंडागर्दी फैला दिया इसने, किसी को कुछ बोलता है, किसी को कुछ बोलता है। लगातार जो किसान है यहाँ पर जानते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे आप किसान हैं सब, लगातार जो है आज सरकार की तरफ से जो बिल आया था उसको ठुकरा दिया है और अगली रणनीति भी बनाई गई है, क्या किस नजरिए से देखते हैं? बिल के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि अभी तो सवेर के लंगर में लग गए, यहाँ सेवा कर रहे हैं। बिल के बारे में तो लाजपत सवाल यह है कि चलते रहेगा संघर्ष, तो चलता रहेगा ना संघर्ष, थोड़ी कुछ हटेगा। लाजपत सवाल यह है कि जिस तरह से किसान नेताओं ने आज साफ कर दिया है कि उन्हें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है, हालांकि अगर सरकार की तरफ से कोई दूसरा प्रस्ताव आता है तो उस पर वो जरूर चर्चा करेंगे, इसको लेकर आप जो है लगातार वहां पे जो और भी किसान जो आंदोलन रत्न है उनसे बात कीजिए, जो आंदोलन लगातार जारी किए हुए हैं, क्योंकि 14 दिन हो चुका और इस ठंड में वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किया जाएगा तब तक वो अपने घर को नहीं जाएंगे। अब इसकी म्याद तो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अब ऐसे में क्या कदम उठाएंगे किसान, इसको लेकर आप वहां के लोगों से बात कीजिए जो धरने पर बैठे। जी बिल्कुल, जो धरने पर पहुंचने में हमें काफी समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति बिल्कुल लगातार है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो धरने से
करीब 3 किलोमीटर दूर हुई थी, जिसमें हम जाम में भी फंसे हुए हैं। आपको दिखा दें कि यहाँ पर लंबा जाम जो लगा हुआ है उसको लेकर ये पंडाल लगाया गया था, उसके बीच में हम हैं। जो पंडाल यहाँ पर लगाया गया था उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जाम की स्थिति लगातार बहुत लंबी जाम की स्थिति है। तो यहाँ पर जो और किसान है उनसे जानते हैं, क्योंकि लगातार जो है आज जो बिल की बात आई थी और जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको पूर्ण तरीके से ठुकरा दिया है। अगली क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि लगातार जो है बैठकें भी जारी है। रणनीति यही रहेगी, जिन्हें बिल नहीं माफ कर दे, वापसी नहीं लेंगे, उनसे अथी देर ला के रहेंगे। छी छी महीने राशन लैके हैं और मगर रोज ट्रालियां भर के आई जाती ने, असं जा के नहीं जाते, बिल रद्द नहीं होंगे। यहाँ पर और भी किसान है उनसे जानते हैं कि क्योंकि बिल जो आज सरकार की तरफ से दोबारा से आया था, जो आप लगातार जो है यहाँ पर धरने पर हैं, क्या रणनीति अगली? ठीक है जी, धरने पे बैठे हैं सर, यही है भी हमें इंसाफ मिल सके और जो काले कानून है ये रद्द हो सके। धन्यवाद। जैसे आज सरकार की तरफ से जो बिल लाया गया था, दोबारा से जो प्रपोजल लाया गया था, लाजपत प्रस्ताव था, वो बिल नहीं था, प्रस्ताव जो इनकी मर्जी बैठे रहेंगे और जब मोदी प्रस्ताव जो आज सरकार की तरफ से आया था उसके उसके दोबारा से जो आवेदन यूं ही ना हमारा जितने बजे कल नू करेगा पास, हमें कल नू चले जाएंगे, चाहे 2 महीने नू करे और बैठे रहे सर बथेरा। और भी यहाँ पर किसान है जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जाम की स्थिति लंबी है। जी बिल्कुल, आप बताइए कैसे? जी अपने हक लेने आए हैं दिल्ली में, अपने हक लेके जाएंगे, चाहे 1 महीना लग जाए, 2 लग जाए, 6 महीना लग जाए, कोई चिंता नहीं, हमें ये काम जो करके ही जाना है। प्रस्ताव आया था आज, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था वो किसानों ने ठुकरा दिया है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो प्रस्ताव मंजूर नहीं है, वो प्रस्ताव कुछ मंजूर नहीं है। नहीं, आप किसान है, किसान है, हाँ जी बोलो, किसान है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसे आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया है, हाँ जी, आप किस नजर से देखते हैं अगली क्या रणनीति? अगली हमारी रणनीति ये है कि जो 3 बिल हैं जो सारे रद्द नहीं करती मोदी सरकार, हम अपने यहीं से धरने से नहीं उठेंगे। ठीक, इस तरह से प्रस्ताव खारिज किया है किसानों ने, क्या अब लग रहा है कि सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है? जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है, सरकार कोई ना कोई ठोस कदम उठा सकती है या इस पर कोई चर्चा हो सकती है। लगातार जो है किसान अपनी बात पर अड़ियल है और आज जो प्रस्ताव ठुकराया है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है सरकार को और किसानों की तरफ से, क्योंकि लगातार जो बैठक जारी है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई निर्णय निकल कर आ सकता है। क्योंकि जो किसानों ने पूर्ण तरीके से कह दिया है कि 3 बिल जो रद्द किए जाए, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से कहा गया था कि इन पर संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन किसानों ने नहीं चाहिए और किसानों ने साफ चेतावनी की है कि 3 बिल को रद्द की मांग की है। जी ठीक है, 3 बिल रद्द करने की मांग की है। हम चाहेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ये हालात बताइए कि अभी केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो गृह मंत्री से मुलाकात करने पहुंचे हैं, क्या उनको कुछ उम्मीद जग रही है? क्योंकि किसानों ने भी कहा है कि अगर कोई और दूसरा प्रस्ताव आता है तो बात उस पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए, उससे क्या जो वहां के आसपास के किसान हैं उनको उम्मीदें जग रही हैं जो धरने पर बैठे हैं? जी बिल्कुल, ये किसान हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं जी कि अभी जो बैठक चल रही है, अभी जो अमित शाह के वहाँ पर बैठक चल रही है उसको लेकर कोई आप क्या उम्मीद मानते हैं? जी बोल रहे इनसे बात इधर 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 तो अभी कृषि मंत्री अमित शाह जी के पास गए हैं और वहाँ पर बैठक चल रही है, आप क्या उम्मीद मानते हैं? उम्मीद तो यही है, वो फैसला उनको कानून जो उन्होंने शुरू किए वो वापस लेने पड़ेंगे, तो उन्होंने तो सोचा से 5-7 दिन बैठेंगे ये चले जाएंगे, यहाँ तो ऐसा लंगर का हड़ लग गया, ये जाने वाले नहीं है जब तक उनका हक मिलता नहीं। या देखो ना, कृषि मंत्री अभी बैठक कर रहे हैं अमित शाह जी के साथ, हाँ जी, और आपने जो आज प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया, तो आप किस नजरिए से जानते हैं देखते हैं और क्या अगली रणनीति है? असी तो ये बोलते हैं जो साडे हक है वो सानू दे दे, जो साडे हक बनते हैं
वो सानू दे दे अही अपने घर जाइए ठंडा दे देने वो बहुत ही धक्का करता बारह बारह साल साड़ी बासमती विकी आ होना जे साड़ी पंजाब दे विच माई बारह बारह तेरह तेरह सौ नू विकी आ ते जे इन्हें कानून कटते तो गां साडा भी बिहार वाला हालत हो जाएगी तो किसान जिहड़ा साडा किसान बिहार वाला हालत हो जाएगी उन्हां दी जिस तरह बिहारी झोना लाउण आउंदे आ ते साडा जो 800 रुपये नू झोना विकिया तो साडियां साडियां कीमतां जिहड़ियां साडे खातां सातां पाउण दे नाल ही नहीं साडियां पूरियां होणियां ते मोदी सरकार नू असीं वोटां पा के अच्छा प्रधानमंत्री करके बनाया वो जिमीदारां नू ऐसा तंग कर रहा और जे जिमीदारां नू ऐसा तंग करेगा जिमीदारां कोई अपना झोना पानी पा दे कोई 2,000-3,000 नू वेचदे ही हुण ऐरका 1200-1300 नू वेख्या किसान बड़ी मुसीबत दे नाल बाहर निकले आ ऐसा पर और भी किसान है उनसे जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि लगातार जो बैठक अमित शाह जी के साथ बैठक चल रही है कृषि मंत्री की और आज आपने जो प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया किस नजरिए से देखते हैं अगली क्या रणनीति रणनीति ऐसी की कह सकने अमित शाह जे रद्द करता ठीक है जे रद्द करता किसानों वास्ते ठीक है तो किसान अगली क्या रणनीति है हाँ जी अगली रणनीति क्या है वो साडे जथेदार दसणगे आगू करणगे उही रणनीति आ जो जो किसान यूनियन के आगू है ना वो फैसला करेंगे अभी जो मीटिंग से अगर कोई नतीजा निकलेगा ठीक है यही डिमांड यही है कि ये कानून रद्द करने होंगे और कोई डिमांड ही नहीं है कानून हम वापस करवा के जाएंगे अगर ये सरकार वापस करती है ठीक है नहीं हम लोग बैठे हैं और आगे कोई ना कोई जो भी हमारे किसान यूनियन के आगू जो रणनीति बनाएंगे वो उस पे हम लोग चलेंगे वापस कोई नहीं जाएगा चाहे यहाँ साल बैठना पड़े जितना मर्जी चिर सभी व्यवस्था लंगर पानी का सोने का हम लोग घर पे अपना कहकर आए हैं कि अगर बिल वापस होंगे तब वापस आएंगे नहीं तो वापस नहीं आएंगे धन्यवाद यहाँ पर और भी किसान है उनसे जानने का प्रयास करते हैं अभी जो गृह मंत्री के साथ कृषि मंत्री की बैठक चल रही है और आपके पास जो आज प्रस्ताव आया था उसको ठुकरा दिया है अगली क्या रणनीति है क्या किस नजरिए से देखते हैं अगली रणनीति ऐसे है भी हमारे जो भी 31 किसान यूनियन पंजाब की जो भी किसान नेता फैसला करेंगे वो सभी किसानों को मंजूर होगा जब तक कोई फैसला नहीं आता सब किसान ऐसे ही दिल्ली में डेरा लाए रखेंगे हमको एक महीना बैठना पड़े दो महीना बैठना पड़े अगर छह महीना बैठना पड़े तो बैठेंगे यहाँ पे यही मोर्चा लगा रहेगा पक्का मोर्चा लगेगा ये जैसे अभी जो कृषि मंत्री से बैठक चल रही है और अमित शाह के साथ कुछ प्रचार घट करो साढ़े ना जैसे अभी कृषि मंत्री के साथ बैठक चल रही चाय बता देखिए यहाँ पर किसान हैं उनसे जानने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि लगातार जो है जो किसान नेता है वही फैसला लेंगे जो तीनों बिलों को रद्द किया जाएगा उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जी चलिए लाजपत